पेश है आपके लिए एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस। बाकी डबल डेकर बस है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊपर बैठ के आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। एंड 2 किलोमीटर कवर करने के लिए हमको 1 घंटा लग गया। बस जो है ना मेरे को A1 लगी। वेलकम ऑन बोर्ड एशियाज मोस्ट लग्जरियस डबल डेकर बस। आज वीडियो देखने वाले हैं डबल डेकर मोस्ट ब्यूटीफुल एशिया की सबसे खूबसूरत बस, वो भी बांग्लादेश के अंदर। जब एक हिंदुस्तानी बांग्लादेश जाता है और वहां पर एशिया की सबसे खूबसूरत डबल डेकर लग्जरी बस देखता है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है और वो क्या कह रहा है बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी को देखकर, तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि जो भी हिंदुस्तानी बांग्लादेश जाता है वो एशिया की सबसे खूबसूरत बसें देखता है और उसके बाद उसका रद्द अमल क्या होता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी पेश है आपके लिए एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस। बाकी डबल डेकर बस है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊपर बैठ के आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिल। आपका स्वागत है। पेश है आपके लिए एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस। आई कैन ऑल्सो से द मोस्ट लग्जरियस बस ऑफ बांग्लादेश। एंड ये जो ऑपरेटर है ना सोहाग परिवहन, ये भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। मतलब आई फील दे आर द बेस्ट इन बांग्लादेश। ये जितने प्रोफेशनल है, ये जितने रेप्यूटेड है, उतना अच्छा कोई नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं बांग्लादेश आया था और इसका मैंने जब वीडियो बनाया था तब वो वीडियो खूब चला था, लगभग 1 मिलियन व्यूज उस पर आए थे। तो अब की बार मैं फिर से हाजिर हूँ राजधानी ढाका में। आज की हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम ढाका टू चिटागोंग। चिटागोंग आपका पड़ जाता है बांग्लादेश के एकदम थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न पार्ट में। मैप पर मैं मार्क कर दूँगा। एंड जर्नी रहने वाली है बहुत ही कमाल की जर्नी रहने वाली है इस वाले बस में। ये बस की चेसिस है स्कैनिया की एंड इसका जो बॉडी बनाया है वो बनाया है इंडोनेशियन कंपनी लग्जाना ने। इम्पोर्टेड बस है बेसिकली बोल सकते हैं। एंड इंडोनेशिया इज़ द हेवन फॉर बसेस, तो कोई डाउट नहीं है कि वो बस इन्होंने कितना अच्छा बनाया है। आई रियली लव लग्जाना कंपनी। एनीवेज ये मेरी बस नहीं है, ये 8:30 बजे जा रही है, मेरी बस है 9:30 बजे की। एंड फिलहाल मैं हूँ ढाका के मालीबाग में, यहीं से बस चलेगी, यहीं पे सोहाग का मेन ऑफिस है और साथ ही साथ पैसेंजर लाउंज बना हुआ है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चलता हूँ एक बार आपको लाउंज दिखा देता हूँ। बाकी डबल डेकर बस है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊपर बैठ के आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। ये आगे अपन सोहाग के लाउंज में, एसी लाउंज है पूरा। एंड कितने प्रोफेशनल है वो आप समझ जाएंगे अभी। सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए जो एक सेल्फ सर्विस मशीन है, मतलब जस्ट लाइक द कियोस्क इन एयरपोर्ट, आपको काउंटर में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड ऑनलाइन टिकट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। फिर एज़ यूजुअल बस का जो सीट मैप है वो सब रखा रहता है। अपर डेक में आई थिंक 34 सीट्स है, जिसमें मेरा सीट ये है आज। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लाउंज बना हुआ है। बैग वैग तो मैंने अभी अंदर रखा है। यहाँ पे आपने देखा कि सब माइक वाइक में अनाउंसमेंट हुआ, अगर आप बैठे हैं तो माइक वाइक में अनाउंस हो जाएगा कि आपका कोच नंबर क्या है एंड आपकी बस जो है आ चुकी है। और इनके पास जो है वायरलेस ऐसे वॉकी टॉकी भी है जिसमें ये लोग बात करते हैं सुपरवाइजर्स वगैरह से कि बस आई है नहीं, कितनी देर और लगेगी, बोर्डिंग चालू करो कि नहीं। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि ऑपरेटर तो ज़बरदस्त है। एनीवेज लग्जरी बसेस की बात करें, जो मुझे सबसे लग्जरी लगी अभी तक, एक तो देखिए मैंने थाईलैंड में जर्नी की थी इस वाले वीडियो में, तो वो बस भी मेरे को काफ़ी लग्जरी लगी थी। एंड इंडिया में एक एक्सपो के लिए वॉल्वो ने एक स्पेशल बस बनाई थी 1x1, वो बस बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब वो अगर ऑन रोड होगी ना तो मैं कह सकता हूँ कि एशिया की सबसे लग्जरी बस इंडिया में होगी। वो बस की मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, बट वो आई डोंट थिंक सो कि कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए है। 1x1 बस है एकदम, जो उसमें फुल फ्लैट बेड रिक्लाइनर्स है, साथ में जो है सबके पास पर्सनल टीवी है, पैंट्री है, टॉयलेट है। यार वो बस बस एक बार रोड में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज टिकट जो है कुछ इस तरह से एक बुकलेट में बेसिकली दिया है इन्होंने। एंड कंपनी इतनी बड़ी है ना कि इनका खुद का जो है एक पेट्रोल वाला यूनिट है, पेट्रोल या जो लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये मेरी टिकट है, ऐसे प्रिंट करके इन्होंने दिया है। एंड रिसेंटली जो है इन्होंने ना बोरीशाल वाली सर्विस भी चालू करी पौधा क्षेत्र खुलने के बाद। ये पौधा क्षेत्र बनने के बाद ना ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखिए बोर्डिंग वगैरह चल रहा है एंड वो सुपरवाइजर जो है वायरलेस लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं।
तो काफी प्रोफेशनल लगा मेरे को सुहाग परिवहन। चलो जी अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी हमारी आ गई। बहुत मजा आ रहा है, मतलब बस की तरफ देख के एक अलग फील आ रही है। तो एनीवेज दिस इज आवर बस। पीछे जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक तो देखिए स्कैनिया लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लग्जना जो कि इंडोनेशियन कंपनी है, एंड मॉडल है SR2 डबल डेकर। पीछे CCTV कैमरा है, एंड ये जो है इसका इंजन और एयर कंडीशन है। इंजन तो रियर ही होगा। एनीवेज जो बस की डिक्की है वो यहाँ पे अक्सर नीचे होती है, मगर अभी हो नहीं सकता क्योंकि ये डबल डेकर बस है। डबल डेकर बसेज में डिक्की जो है यहाँ पे होती है, तो इसको वो खोलेंगे। एकदम प्रोफेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे जो टैग उन्होंने स्टेपल कर दिया। एनीवेज बस को बोर्ड करते हैं बहुत ही जल्द, और सामने से भी देख सकते हैं बस को जिस तरह से है, जो सीट मेरा है वो ऊपर कहीं होगा। एंड इसके जो लुक्स है, इसकी जो लाइटिंग है वो भी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि आज तो दिन की जर्नी होने वाली है, पता नहीं लाइट दिखा पाऊंगा कि नहीं। ओके थैंक यू। तो सबसे पहले जो है इसमें एक लोअर डेक है जिसमें एक इसमें स्लीपर सीट है। ये स्पेशल सीट है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहते हैं इस पे जा सकते हैं। हाँ जानी जानी। एंड लोअर डेक में जो एक एक्स्ट्रा डोर है, एंड यहाँ पे जो एक फ्रिज है, एंड फ्रिज दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सीट्स इसमें जो आपको 2x1 वाले मिल जाते हैं, एंड सीट्स की आप विड्थ देख के समझ सकते हैं कि सीट्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जो लेग रेस्ट है वो थोड़ा छोटा है, बट हाँ ओवरऑल सीट्स आर रियली रियली अमेजिंग। चलते हैं, दिस इज अ प्रीमियर सीट, थोड़ा फर्स्ट क्लास जैसा फील आता है। एंड यहाँ पे जो है इस बस का केबिन। वालेकुम अस्सलाम मामा, हमें कोलकाता तक। हाँ हाँ ट्रेन, हाँ हाँ बोल भी सकता, लिख भी सकता। बहुत ही बढ़िया। कितने साल से है सुहाग में? यहाँ मैं 22 इयर्स वोल्वो ओपनिंग। अच्छा वोल्वो ओपनिंग हनीप से या सुहाग से? नहीं नहीं सुहाग में। अच्छा अच्छा। हाँ प्रीमियम में ये ई लाया था, इसका मैं कहे अभी ये नाइन आर प्रीमियम आया। अच्छा अच्छा। फिर आया एलीट, फिर आया प्रेस्टीज। अच्छा प्रेस्टीज, ये तो अच्छा लगा मेरे को बहुत। नाम क्या आपका मामा? मेरा सईद। अच्छा ढाका से ही रहते हैं? ढाका में रहते हैं, मीरपुर में। अच्छा अच्छा ठीक है, मीरपुर में। और बस बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं? मतलब एकदम मस्त है। A1 is the best in the world। अच्छा बिल्कुल खूब अच्छा करे, 10 इयर्स इंजन जाता है इसका। हाँ हाँ समझ गया, ये बहुत ही बढ़िया बस, आपकी बस बहुत अच्छी लगती है मेरे को। आपको चिटियांग तक जाना है? हाँ 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 दामपर। ठीक आता हूँ मामा। हाँ थैंक यू मामा। तो आते हैं अब सेकेंड डेक पे, अपर डेक पे। अपर डेक पे जो है 34 सीट्स है टोटल, एंड मल्टी एक्सल गाड़ी है तो लंबी है। देखिए आपके कंफर्ट का जो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑपरेटर 4 सीटें लगा देता आराम से, बट इन्होंने जो है यहाँ पे 3 ही रखी, और ब्लैंकेट्स वगैरह के जो अरेंजमेंट्स हैं। तो जो आपके ओवरहेड स्टोरेज है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे फ्लाइट्स में होते हैं ना खुलने बंद होने वाले, हाइड्रोलिक वाले हैं। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगी। पता नहीं इंडिया में वॉल्वो या स्कैनिया ये जो बिन से ही क्यों नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा है कि पहाड़ों पे जब बस चलती है ना ऐसा यहाँ से सब सामान लोगों के सर पे गिरता है। तो जी विवा ये थी वीडियो, और आपने देखा कि किस तरह हैरान हो रहा है, किस तरह परेशान हो रहा है। और हिंदुस्तानी व्लॉगर जितने भी हैं ये बांग्लादेश में आगे व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि इनको मिलती है एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस। ऐसी बसेज हिंदुस्तान में भी नहीं है, और एशिया की सबसे खूबसूरत बसें सिर्फ बांग्लादेश में हैं, और बांग्लादेश में आकर ये व्लॉग भी बनाती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि देखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बसें बांग्लादेश में हैं, और आपको एशिया में कहीं पे भी इस तरह की खूबसूरत डबल डेकर बस बिल्कुल नहीं मिलेगी जैसी बांग्लादेश में है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। और इवन के हिंदुस्तान में भी ऐसी बसेज नहीं मिलेगी आपको जैसी बांग्लादेश में हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।